अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको पेंसिल शेविंग से एक फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है और इसे आप होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास पुराने कलर रखे हुए थे घर में और वो कलर्स बहुत फीके थे, कलर तो हम उससे कर नहीं सक रहे थे। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना इससे मैं एक्टिविटी कर लूँ। मेरे बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं, बस हमें उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, रीयूज़ करना आना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट को रिसाइकल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो जर्मनी है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग की जाती है। वीडियो में क्लियरली आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी मेथड है ये। इससे और तरह की भी ड्राइंग्स बनती हैं जिसमें कागज़ के ऊपर पेंसिल का ये जो कर्ल्स होते हैं, ये स्पायरल्स होते हैं, इनको पेस्ट किया जाता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स भी बनाई जाती हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आपके पास कोई भी बड़ा वाज हो, कोई प्यारा सा पॉट रखा हुआ हो, उसके अंदर आप इसको अच्छा सा सेट कर सकते हैं। मैंने नीचे फॉर्मिक शीट लगाई है और फॉर्मिक शीट के ऊपर ये एडजस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा आप इसको, अगर इसकी स्टेम नहीं लगाना चाहते तो स्टेम लगाए बगैर इसको आप किसी प्यारी सी डेकोरेटिंग प्लेट के ऊपर भी UHU से या किसी भी ग्लू से अटैच कर सकते हैं। ग्लू गन भी ज़्यादा अच्छी होती है, उससे अटैच करके आप वॉल हैंगिंग आर्ट भी बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।